हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं चमनपुरी जी के घर पर गया था, उनकी पत्नी का नाम है विनोदपुरी जी, तो दो हारमोनियम रखा हुआ था और बिल्कुल बजाने के मूड में तो मुझे जिज्ञासा हो गई कि कौन गाते हैं कौन बजाते हैं, तो मैं इनको तो देखा था बजाते हुए, तो विनोद जी ने कहा कि मैं तो सीखी हूँ संगीत बजाती हूँ, तब मेरे मन में आया कि थोड़ा भजन सुना दीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास है, भक्ति से गा रही थी, श्रद्धा से गा रही थी। तो अब महाराज जजाति की शेष कथा प्रस्तुत की जा रही है, थोड़ा हाई कीजिए। हरे कृष्ण। ठीक, कल कथा यहां तक पहुंची थी कि जजाति महाराज के छोटे पुत्र ने उनको अपनी यौवन अवस्था दे दिया, अपनी जवानी दे दिया। इस प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरु आयु में उम्र में छोटे थे लेकिन गुणों में अपने बड़े भाइयों से बड़े थे। उम्र में जदु आदि बड़े थे, जदु महाराज तो खैर भक्त थे, उनकी बात छोड़िए, तीन जो बीच में थे वो पुरु के बड़े भाई थे लेकिन उनमें गुण नहीं था। पुरु छोटा था लेकिन बहुत गुणवान व्यक्ति था। वयसोनम गुणाधिकम, वयसा ऊनम, ऊनम का अर्थ होता है कम, नी ऊनम न्यूनम उसको कम कहते हैं। हम लोगों के संस्कृत में जो गणना है तो ऐसे गिनते हैं जैसे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश एकोनविंश, बीस में एक कम, ऐसे गिनते हैं। एक उन विंस, एकोन विंस, इसका अर्थ है उन्नीस। सदा देखेंगे और उन्तीस को कहेंगे एकोन त्रिंस, त्रिंस में एक उन, उन माने कम, तीस में एक कम, एकोन त्रिंस। इस तरह से पुरु के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वयसा ऊनम गुणाधिकम, वयस की दृष्टि से उम्र की दृष्टि से वो छोटा था बेटा लेकिन गुणाधिकम गुणेशु अधिकम, अपने भाइयों से बड़ा था गुण में। तो इस प्रकार पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दिया और स्वयं उनकी बुढ़ापा को ले लिया, जरावस्था को ले लिया। यहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति प्रमुदितः पुरु प्रत्यगृहणात् जराम पितु। इस प्रकार पुरु प्रमुदितः बहुत खुशी के साथ आनंद के साथ अपने पिता की जरावस्था को बुढ़ापा को ले लिए। और कितने वर्षों तक लिए रहे, 1000 वर्ष तक वे बूढ़े रहे और प्रमुदित आनंद में रहे।
देखिए सब समय भोग अच्छा नहीं लगता और भोगों से प्रीति नहीं होती है आदमी को, तपस्या से प्रसन्नता होती है। हमने देखा है जो भक्त एकादशी का उपवास करते हैं अच्छी तरह से, तो द्वादशी के दिन उनका मन कितना आनंदित रहता है कि हमने ये व्रत पूरा किया। और जो खाते रहते हैं एकादशी को बहुत बार बार, भले फलाहार, लेकिन उनको द्वादशी के दिन कोई प्रसन्नता नहीं होती। और एकादशी को भी मन उनका खिन्न रहता है कि अरे मैं तो रोज जैसे खाता था वैसे ही खा रहा। कितने भक्त तो निर्जला करते हैं, जल नहीं पीते, उनको सुख मिलता है, तपस्या में सुख है, भोगों में सुख नहीं है। यह अनुभूत विषय है, तपस्या के समय भी सुख मिलता है और तपस्या पूर्ण होने पर अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। पुरु को इस बात से बहुत प्रसन्नता थी कि वो अपने पिताजी को सुख भोगते हुए देख रहा था कि पिताजी अच्छा खा रहे हैं। जवान आदमी अच्छा खा सकता है, पहन सकता है, घूम सकता है और वो अपनी पत्नी के साथ रह सकता है, तो इस बात से पुरु को बहुत प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही थी। उन्होंने जवानी दिया तो ऐसा नहीं सोचा कि बेकार दे दिया, नहीं देना चाहिए था, ऐसा कभी विचार नहीं आया। दे दिया आनंद से दे दिया। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी प्रमुदित शब्द लगा रहे हैं, प्रकर्षेण मुदित, मुद का अर्थ होता है आनंद, सुख, और सुख था। और पिताजी भी सुखी थे। और राजा सोपि तद वैसा कामान यथावत जुजसे नृप। सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, सह अपि जजाति अपि जजाति भी तद वैसा अपने पुत्र की जवानी लेकर के यथावत कामान बुबुझे जुजुसे। शास्त्र के अनुसार जो नियम बनाया गया है, शास्त्र के नियम के अनुसार वे भोगों को भोगने लगे, शास्त्र की मर्यादा को तोड़कर नहीं भोग रहे थे। वे संसार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु को खाना, पहनना, घूमना और देवयानी के साथ बिल्कुल शास्त्र मर्यादा के अनुसार वे भोग कर रहे थे। उसके साथ रहना, बात करना, सोना, जो कुछ भी था, यथावत, यथावत जैसा होना चाहिए वैसा, नियमों को तोड़ करके अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे थे। इस तरह पुत्र बूढ़ा होकर के सुखी हो गया और पिताजी अपने पुत्र की जवानी लेकर के वे भी सुखी थे। यथावत जुजुसे, जुजुसे का अर्थ है युक्त हुए। विषय पांच प्रकार के हैं और उसमें एक एक के अनंत प्रकार हैं। जैसे रूप, आंखों से रूप का आस्वादन किया जाता है, और शब्द, सुंदर सुंदर गीत या किसी की मधुर बोली कान से आस्वादन करते हैं। इसके कई प्रकार हैं, कई प्रकार से आस्वादन किया जाता है। और नासिका से सुगंध सूंघते हैं, रसनेन्द्रिय से खाना टेस्ट लेते हैं, अनेक प्रकार के खाद्य चेस चोस्य लेह्य और पेय पदार्थ आदमी पीता रहता है, खाता रहता है, अनेक प्रकार से आस्वादन करता है। परंतु इतनी बात है कि जवान व्यक्ति ही फुल एक्सटेंट तक ये सब विषय भोग करता है, खाता पीता है, देखता है। और महाराज जजाति पूर्ण युवक हो गए थे। और इसके बाद स्पर्श, अनेक प्रकार के स्पर्श प्राप्त करना चाहता है जीव। यह इंद्रिया जो स्पर्श इंद्रिया है, ये नख से सिख तक इस शरीर में मढ़ करके दी गई है, कहीं भी सेंसेशन है। और इंद्रियां लोकेटेड हैं, एक जगह पर हैं, लेकिन स्पर्श इंद्रियां सब जगह, इंद्रिय सब जगह है। भगवान ने एक ऐसा पतला चमड़ा फिट किया है या मांस को भी, कि उस पर कुछ भी ठंडा लगे तो पता लगता है, गर्म लगे तो पता लगता है। इससे स्वाद का पता नहीं लगेगा। किसी दाल को यहां सटा करके देखिए तो ये चमड़ा नहीं बताएगा कि ज्यादा नमक है या कम नमक है। उसके लिए तो जिह्वा पर रखना पड़ेगा, पता लगेगा। प्रसाद बनाती हैं माताजी लोग तो कहते हैं, कभी कभी ये चख करके देखो कैसा है, देख करके नहीं पता लगा सकते।
आंख केवल रूप देखेगी, स्वाद का पता नहीं बता सकती, और त्वग इंद्रिय केवल स्पर्श का पता बताएगी और रूप आदि का पता नहीं बता सकती। तो एक एक इंद्रिय का एक काम है, लेकिन वो इंद्रियां एक एक जगह पर हैं, पर त्वग इंद्रिय सर्वव्यापक है, सारे शरीर में है। तो इस प्रकार से व्यक्ति पांच प्रकार के विषयों को अनेक तरह से भोगता रहता है, इसको काम या भोग कहते हैं। इसमें यह बात है कि स्त्री प्रसंग, स्त्री संग इसमें से सबसे श्रेष्ठ काम माना गया है, इसलिए काम का अर्थ ही कर दिया जाता है स्त्री संग, परंतु काम का यही अर्थ नहीं। तो महाराज जजाति पूर्ण युवक होकर के और बहुत आनंद के साथ विषयों को भोगने लगे, परंतु धर्म मर्यादा के अनुसार, देखना सुनना जो कुछ भी था धर्म के नियमों को तोड़कर नहीं देख रहे थे, सुन रहे थे कुछ भी। सप्त द्वीप पति सम्यक पितृवत पालयन प्रजा। देखिए राजा का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में पूरा पूरा आरूढ़ थे, लगे हुए थे महाराज जजाति। सप्त द्वीप पति, सात द्वीप वाली पृथ्वी के वे पति थे, पालक थे। पितृवत पालयन प्रजा, प्रजा का पालन माता पिता की तरह कर रहे थे। जैसे माता पिता अपने संतान का पालन करते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, कोई भी संकट आने पर सहारा देते हैं, सब तरह से प्रेम करते हैं, इस तरह से राजा जजाति प्रजा से प्रेम करते थे। अपनी पत्नी में आसक्त थे, फिर भी प्रजा का पालन कर रहे थे। देश के नागरिक सब बहुत सुखी थे, धन्य धन्य निर्पधन्य जजाति। एक पद में गाया गया है कि जजाति महाराज धन्य है, अद्भुत शासन उन्होंने किया, प्रजा सब तरह से सुखी थी, धर्म में लगी हुई थी। पितृवत पालयन, पितृ मतलब माता और पिता, माता पिता जैसे अपने बच्चे को स्नेह से पालते हैं, किसी संकट से रक्षा करते हैं, इस तरह से महाराज जजाति ने जनता के लिए प्रचुर भोजन की व्यवस्था करना सब तरह से, और रक्षा करना, कोई आतंकवादी आक्रमण न कर दे। सब समय सब जगह तरह के लोग होते हैं, जैसे यहां कितने सुख से लोग रह रहे थे और एक दुष्ट डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन फिर भी उससे रक्षा की जा रही है जनता की। लेकिन महाराज जजाति के समय में तो कोई साहस ही नहीं कर सकता था कि कोई कुछ करे जनता का, इतना प्रचंड शासन था उनका। पितृवत पालन, जैसे छोटे से बच्चे का पालन मां करती है, पिताजी करते हैं, वैसे प्रजा का पालन कर रहे थे। और जथोपजोषण विषयान जुजुसे अव्याहत इंद्रिय, और जथोपजोषण दो पार शब्द आया, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार विषय भोग कर रहे थे, विषयों को भोग रहे थे, और जथोपजोषण, जथा उपजोषण, उपजोषण का अर्थ है अपनी जितनी इच्छा थी जहां तक संतुष्टि हो सकती थी विषयों को भोगते थे, इसी के लिए युवक बने थे। तो एक अद्भुत और सफल गृहस्थ थे, राजा थे, तो प्रजा का पालन भी ठीक से कर रहे थे, इसके साथ राजकीय विषयों को भोग रहे थे। एक राजा के पास तो काफी धन होता है और वो कुछ भी भोग सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कहीं घूम सकता है। तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जथावत, विषय भोग कर रहे थे लेकिन अपनी पत्नी से संतुष्ट थे पूरा, सपने में भी किसी परिस्त्री के प्रति उनकी दृष्टि नहीं जा सकती थी, यह एक उनकी विशेषता थी। भगवान गीता में कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर सभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में या किसी जीव में धर्म के अविरुद्ध जो काम वासना है वो मैं हूं। इतना पवित्र है यह संबंध, विवाह का बंधन इतना पवित्र है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है। भगवान परम पवित्र है,
सब तरह से माया से शून्य है, पाप रहित है। तो पति और पत्नी का जो संबंध है, जो संतान प्राप्ति के लिए है, इस संबंध को गीता में भगवान कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है। धर्मा विरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध, अविरुद्ध मतलब अनुकूल। यदि धर्म के नियमों के अनुसार काम है तो यह काम मैं हूं, इतना पवित्र यह संबंध। महाराज जजाति इस धर्म में थे, अपनी पत्नी से पूर्ण संतुष्ट थे और विषय भोग में लगे थे। अव्याहत इंद्रिय, उनकी इंद्रियां अव्याहत थी, इंद्रियों की शक्ति थोड़ी भी नहीं गई थी। आंख में देखने की शक्ति या पैर में चलने की शक्ति, मन में संकल्प विकल्प करने की शक्ति, स्मृति शक्ति या कान की शक्ति, जिह्वा की शक्ति, पाचन शक्ति, सब कुछ एकदम कंप्लीट ताजा था। आजकल के लोग तो कोई अच्छा चीज खाने के लिए दीजिए तो खा ही नहीं सकते, पचा ही नहीं सकते। कहना पड़ता है कि कोरी रोटी चाहिए, घी नहीं चाहिए, क्या भोग करोगे। घी भी नहीं खा सकते क्योंकि आंत में शक्ति ही नहीं है पचाने की। कोई घी खा ले ज्यादा तो उसकी आंतें मल को बाहर नहीं करती, चिकनी हो जाती। इस तरह भोगने की कोई शक्ति ही नहीं है। युवावस्था में कुछ शक्ति रहती है लेकिन इसके बाद शक्ति क्षीण होती जाती है, कुछ ही वर्षों में एकदम क्षीण हो जाती है। लेकिन महाराज जजाति की इंद्रियां कभी क्षीण नहीं हुई, अव्याहत इंद्रिय, इंद्रियों की शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई न कम हुई। 1000 वर्षों तक विषय भोग करते रहे। विशेष करके देवयानी इनको बहुत सुखी रख रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवयान्यपि अनुदिनम मनो वाग देह वस्तु भी प्रेयसः परमां प्रीतिम उवाह प्रेयसी रहः। देवयानी के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रेयसी, और महाराज जजाति के लिए कहते हैं प्रिय। वास्तव में जजाति में और देवयानी में केवल विवाह का संबंध ही नहीं हो गया था, उनमें वास्तव में प्रेम था। वास्तव में जो प्रेम कहा जाता है, महाराज जजाति चाहते थे कि मेरी पत्नी सुखी रहे सब तरह से, और पत्नी चाहती थी कि हमारे पति सब तरह से परम आनंद में रहे, सुख में रहे। इसलिए श्रील सुखदेव का समय प्रेयसी और प्रिय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पति और पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि चलो विवाह हो गया है तो क्या करेंगे, इसको साड़ी कपड़ा सब देना ही पड़ेगा, ऐसा भार नहीं था। चाहिए करो ये करो, या उसको ये कहें कि तुम भी जाब करो, तुम भी कुछ कमाओ, नहीं। वास्तव में ऐसे तो देश काल के अनुसार करना चाहिए, ठीक है, घर में बैठे बैठे पत्नी करेगी क्या, वो भी रोगी हो जाएगी। इसलिए काम करना जरूरी है। मैं इस पर अटैक नहीं कर रहा हूं, यहां की जो रीति है वो चलेगी, क्योंकि देश काल के अनुसार धर्म बदल जाता है, काल के अनुसार, देश के अनुसार। जैसे यहां पर हमने सुना है काल के अनुसार टाइमिंग बदल जाता है, जाड़े में 1 घंटा आगे के पीछे कुछ करते हैं ना, 1 घंटा। और यहां की रीति दूसरी है, देश दूसरा है, तो यहां पर आप कार दाहिने हाँकते हैं, राइट में, इंडिया में लेफ्ट में हाँकते हैं। कोई कहे कि नहीं, मैं देश काल का नियम नहीं मानता हूं, मैं बाएं ही हाँकूंगा कार को। तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो देश काल कहते हैं, ये जो भी है, परिवार को मेंटेन करने के लिए पत्नी काम करे ठीक है, परंतु जो आदर्श परिवार भारतवर्ष में देखा जाता है, पत्नी गृह स्वामिनी होती है, वो घर में संतुष्ट भी रहती है सब तरह से। घर में बहुत काम होता है वास्तव में, छोटा छोटा देखा जाए, सब साफ करना, खाना बनाना, भगवान को भोग लगाना, इसे फुर्सत नहीं मिलती। तो और पति का कर्तव्य है कि वो कमाए, वो काम करे, बाहर काम करके लावे
और पत्नी उसको सजा कर संवार करके रखे, बच्चों की सेवा करे, सुखी करे, उनके एजुकेशन का ध्यान रखे। और यहाँ की स्थिति दूसरी है, यहाँ तो पहले जीने के लिए काम करना है और तो दूर देखा जाएगा, पहले जिएंगे कैसे, इतना है प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, इंश्योरेंस दी इस तरह। तो पति केवल काम करे तो अच्छा से चल ही नहीं पाएगा, है ना, इसलिए किया जा सकता है। लेकिन महाराज जजाति अपनी पत्नी का ऐसा ध्यान रखते थे, सब तरह से सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे। और वह पत्नी ऐसी थी जो केवल अपने पति का ही चिंतन करती थी, कैसे सुखी रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते मनोवाग मनोवाग देह वस्तु भी, मन से, वाणी से, शरीर से और वस्तुओं से वो अपने प्रियतम स्वामी की को सब तरह से खुश करना चाहते थे। मन से मतलब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, मन में सदा उनके प्रति शुभ विचार रखते थे, ये और सुखी हो, और सुखी हो। पत्नी यही प्लान करती थी, देवयानी यही प्लान में रहती थी, संकल्प विकल्प करती थी केवल ऐसे कि पति कैसे सुखी रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे। मैं सब प्लान करती थी, आएंगे तो ऐसे पंखा झलूंगी, उनको भोजन यह बनाऊंगी, यह करूंगी, यह करूंगी। मन से सोचना, ये मानसिक सेवा है, भगवान राधा कृष्ण की भी मानसिक सेवा की जाती है, अष्टकालीन मानसिक सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा था, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करीबे, मन से सेवा करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कोई श्री विग्रह स्थापित नहीं किया, वे मन में 24 घंटे करते रहते थे। और भक्तों को भगवान ने कहा कि तुम श्री विग्रह की स्थापना कराना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि। तो इस तरह से मन से अपने पति के शुभ की कामना करना हमेशा, यह भी एक सेवा है। और मनोवाग देह वस्तु भी, और देह से सेवा करना, देह से सेवा, जैसा मैं कहा पहले कि पंखा झलना, चरण दबाना और अपने शरीर को अर्पित कर देना अपने प्रिय को, वो जैसे सुखी हो। अपने देह को ये समझना कि हमारे प्रियतम पति के सुख का एक साधन है, जैसे भी सुखी हो। तो देह अर्पण करना और वचन वाग, बहुत अच्छा बोलना। पत्नी का ये बहुत बड़ा गुण है कि अपने पति से वो बहुत प्रेम से बोले, कभी काड़ा ना बोले, ये धर्म है, शास्त्रों में सिखाया गया, कभी कठोर ना बोले। क्योंकि पति बहुत इधर उधर घूमता है, बाहर जाता है, ये जाता है, तो उसका मन खिन्न रहता है, थका रहता है, किसी ने कुछ बोला है, ऑफिस में ये चिंता वो चिंता। घर पर आकर के तो कम से कम वो जुड़ा आ जाए, ठंडा हो जाए। ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट, ये कहा जाता। वास्तव में अपना घर स्वर्ग है। कब स्वर्ग है? जबकि पत्नी बहुत प्रेम से बोलती हो, तब वो स्वर्ग है। अन्यथा अगर पत्नी कठोर बोलती है तो उस आदमी को जंगल में चले जाना चाहिए। चाणक पंडित कहते हैं, माता जस गृहे नास्ति और प्रिया चा प्रिय भाषिणी, अरण्यम तेन गंतव्य जथा अरण्यम तथा गृहम। जिस व्यक्ति की माँ घर पर नहीं है और अपनी पत्नी है तो वो कठोर बोलती है, कर्कशा है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अरण्यम गंतव्य, वो अरण्य में चला जाए, जंगल में, वहां सुखी रहेगा, घर में सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि जथा अरण्यम तथा गृहम, जैसे जंगल है, अरण्य है, वन है, वैसे गृहम, अब गृह में क्या सुख है? जिसको जीवन भर रहना है वही प्रेम से नहीं बोलती है तो क्या रहना है? एक बार मैं बात कहा था तो एक भक्त ने पूछा कि तो जथा अरण्यम तथा गृहम, जैसा घर है वैसा वन है, तो वन में क्यों जाए, वहीं रहे दोनों एक। तो चाणक पंडित कहते हैं कि अरण्यम तेन गंतव्य,
उसके द्वारा चाहिए कि वो अरण्य में चला जाए, वन में चला जाए। तो भक्त ने पूछा कि कहते हैं कि जथा अरण्यम तथा गृहम, जैसा वन है वैसा घर है तो घर ही में रहने दें, ये क्यों कहते हैं कि वन में चले जाए। तो मैं कहा कि तो इसका मतलब वन में कुछ ज्यादा सुख है, तकलीफ कम है, घर में ऐसी अगर स्त्री अनुकूल नहीं है और खास करके बोली उसकी ठीक नहीं है तो अब उस घर को छोड़ ही देना चाहिए और वन में चले जाना चाहिए। वन से मेरा मतलब वृंदावन चले जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। स्त्री की जो बोली है अपने पति से, यह उसके जीवन के लिए एक बहुत सुख की सामग्री है। प्रेम से बोलना है। कई बार हमने सुना है किसी पत्नी को कहते हुए, अपने पति को कहते, पहले बोलना सीखो, और खुद ही गलत बोल रही है, पहले बोलना सीखो कैसे बोला जाता है। बोलना सीखो। आज एक स्त्री ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज मैं अपने पति से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो कुछ भी बोले ये करें वो करें, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसे चुप मत रहो, कुछ बोलो, उनको जवाब दो, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि जैसे और लोगों को आप जवाब नहीं देती हैं तो ऐसे नहीं, पति को कभी नहीं बोलती हैं, जवाब देती हैं, तो लोग दूसरे लोग कुछ भी कहें तो उस समय भी आप चुप रहिए। उनको कुछ मत कहिए, कहने दीजिए जो कहना चाहते। भगवान ने अलग अलग धर्म बनाया है, नारी धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है। ये तो देवयानी सब तरह से अपने पति से बहुत प्रेम से बोलती थी, बहुत प्रेम से, वचन बहुत बड़ा धन है। और वस्तु भी, वस्तु का अर्थ है खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, सबको ठीक रखना, अनेक प्रकार की वस्तु जो पसंद करते थे जजाति महाराज वह प्रस्तुत किया करते थे। वस्तु में अनेक वस्तुएं हैं, जैसे भोजन मुख्य है, और भी घर को सजा कर रखना, कपड़ा आयरन करके रखना अच्छा तरह से। सब कुछ से, उस समय मशीन नहीं थी कपड़ा धोने की, वॉशिंग मशीन नहीं थी। रानी होते हुए भी सब कुछ प्रस्तुत करती थी अपने दासियों के द्वारा, चाहे जैसे तैसे बहुत वस्तु प्रस्तुत करती थी जिससे उसके पति सुखी रहे। इस प्रकार महाराज जजाति अपनी पत्नी के द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तुओं को स्वीकार करते थे। और राजा थे ही सप्तद्वीपवती पृथ्वी के, खूब भोगे खूब भोगे। तो यहां प्रश्न होता है, वे तो भक्त थे तो क्या भगवान को बिल्कुल भूल ही गए? नहीं नहीं नहीं, मुख्य उनके जीवन में था भगवान विष्णु की आराधना। यहां पर कह रहे हैं तीन श्लोक में, अयजद यज्ञ पुरुषम क्रतुभिर भूरि दक्षिण ही सर्वदेवमयम देवम सर्ववेदमयम हरिम। वे भगवान की आराधना करते थे बड़े बड़े यज्ञों से, क्रतुभिर भूरि दक्षिण ही, ऐसे ऐसे यज्ञ करते थे महाराज जजाति जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी, लोगों को खिलाना पिलाना, दान देना, गरीबों को ब्राह्मणों को जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनको देना, भगवान का प्रसाद अलंकार आदि भी सब कुछ देते थे। भूरी दक्षिणाई, ऐसे ऐसे यज्ञ करते थे जिनमें भूरी का अर्थ बहुत अधिक दक्षिणा देते थे। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती है वो यज्ञ निष्फल माना जाता है। तो महाराज जजाति बहुत यज्ञ की, यज्ञ में मुख्य यज्ञ था श्रवण कीर्तन ही। वास्तव में इस शास्त्रों के प्रपर्ट से पता चलता है जब श्रीधर स्वामी लिखते हैं, और यज्ञ का अर्थ था भगवान का श्रवण कीर्तन। जैसे हम लोग यहां यज्ञ कर रहे हैं यही वास्तविक यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्राय, जिसमें भगवान का संकीर्तन हो गुणगान हो, वही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो ऐसा ऐसा आयोजन बहुत करते थे, और व्यक्तिगत अपने घर में जो ड्यूटी था भगवान का तो उसकी भी पूजा में लगे रहते थे।
और यज्ञ करते थे, जनता को प्रेरित करते थे भगवान की भक्ति में। किसके लिए यज्ञ करते थे? यज्ञ पुरुषम, जो यज्ञ भोक्ता है। वास्तव में भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ और तपस्या के इंजॉयर है, भोक्ता है, ऐसे भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ पुरुषम सर्व देव मयम देवम, भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। अगर उनकी पूजा कोई करता है तो सारे देवताओं की पूजा कर लेता है। जैसे वृक्ष के मूल में कोई जल डालता है तो वृक्ष के शाखा प्रशाखा फल फूल पत्र सबको सींच रहा है, है ना। यदि मूल में जल डालता है तो सब जगह जाएगा। तो मूलम ही विष्णु देवा नाम, समस्त देवताओं के मूल हैं विष्णु कृष्ण। यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर रहा है अपने कर्मों से तो उसके द्वारा सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के प्रत्येक अंग हरे भरे रहते हैं, सुखी रहते हैं। कुछ सिद्धांत है कहां हम करें कि वो सबको पहुंच जाए कोई चीज, तो भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उससे सारे देवता प्रसन्न होते हैं। और देवताओं की यदि अलग पूजा की जाती है तो उनको मिल ही नहीं पाएगा वो। यदि किसी वृक्ष की शाखा को काट करके आप नदी में डाल दीजिए तो धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि वो भोक्ता नहीं है। भोक्ता ने जो भोक्ता नहीं है उसकी पूजा करके करेंगे क्या, वो लेगा ही नहीं। और भागवत में एक श्लोक में बताया गया है, यथा तरुर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारो च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहणमच्युतेज्या। दो उदाहरण दिया गया है, वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के प्रत्येक अंग में पहुंच जाता है, और प्राण उपहार पेट में अन्न देने से, भोजन देने से, वह भोजन का रस सारे शरीर को प्राप्त होता है। लेकिन भोक्ता कौन है? भोक्ता है प्राण, पेट, मुख, मुख ही खाएगा। अगर यहां डालेंगे तब सब जगह पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंच सकता है। तो मुख जो है भोक्ता है, पेट भोक्ता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत काम किया है तो उसका हाथ भी काम किया है, पैर काम किया है, आंख काम किया है, और कान भी काम किया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग में पैर भी लगता है ना, पैर लगता है, हाथ लगता है, आंख लगती है, कान भी लगता है। इधर तो कान कम लोग लगाते हैं क्योंकि कोई आवाज करते हुए गाड़ी चलती नहीं है, सब गूंगी गाड़ी चलती इंडिया में तो बहुत आवाज सुनना पड़ता है पीछे की आवाज। तो कान काम करता है, हाथ स्टीयरिंग पकड़ा है, पैर कुछ काम कर रहा है। लेकिन जब कहीं किसी होटल में खाने जाना होगा रेस्टोरेंट में, तो आप किसी अंग को भोजन नहीं देंगे, न पैर को, न आंख को, न कान को, न हाथ को। पेट भोजन कहां डाला जाएगा? मुंह में डाला जाएगा, पेट में डाला जाएगा, क्योंकि भोक्ता है, दूसरा कोई भोक्ता है ही नहीं। इसी तरह से भगवान विष्णु भोक्ता है। तो शरीर के किसी अंग को अगर कोई भूल से सोचे कि इसको पुष्ट करने के लिए मैं यहां भोजन डालूं, 10-20 चपाती यहां बांध दूं, रसगुल्ला बांध दूं, हाथ मेहनत किया है बहुत ज्यादा, तो ये हाथ सड़ने लगेगा, ये भोगेगा क्या? हटाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, बेकार, यहां क्यों डाल रहे हो? ये भोगता नहीं है, करता है। बस केवल काम करने का इसका अधिकार है, कर्म डेवा अधिकार अस्ते मां फले सुकदाचन। फल पर किसका अधिकार होगा? मुंह का, पेट का अधिकार है। उसका स्वरूप ऐसा है कि वहां डालने पर वो भोजन के रस को सब जगह सप्लाई करता है, पहुंचा देता है। और कोई कहे कि नहीं नहीं, आंख ने इतना मेहनत किया, रोड पर देखती रहती थी आंख, इसलिए आंख में भी एक आध रसगुल्ला डालो, तो आंख फूट ही जाएगी, भोगेगी क्या? ये भोगता नहीं है, भोगता है पेट। इसी तरह से वास्तव में भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वास्तविक भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण,
अगर उनको कुछ दिया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, पूजा की जाएगी, तो सारे देवताओं को मिलेगी वो पूजा, सबको, सबका हित होगा। लेकिन अन्य अंगों को देने पर उन अंगों को भी नहीं मिलेगा, सारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरे देवताओं का भजन लोग करते हैं और विष्णु का नहीं करते हैं, तो सब कुछ बेकार है। वास्तव में उनका जो भी प्रयास है बेकार, वो देवता ले ही नहीं सकते हैं, वो भोक्ता है ही नहीं, कैसे लेंगे। इसलिए सब आशा करते हैं देवता लोग कि एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा, तो हमारा उपकार होगा। एक उदाहरण है महाभारत में, एक बार दुर्वासा जी गए थे पांडवों के यहां 10,000 शिष्यों के साथ, दुर्योधन भेजा था। एक बार 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी दुर्योधन के यहां गए थे। उस समय पांडव वनवास का दिन बिता रहे थे, तो खूब खुश हुए दुर्वासा जी उसके खिलाने पिलाने से। वो वर और साप देने में परम समर्थ हैं। तो वर मांगने को कहे कि दुर्योधन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरा बड़ा स्वागत किया, मुझसे वर मांगो। तो वो सोचा कि ऐसा ट्रिक करूं कि युधिष्ठिर भाइयों के साथ वन में ही नष्ट हो जाए। तो दुर्योधन कहता है, हे मुने, हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ इस समय वन में रह रहे हैं और उनको अक्षय पात्र मिला हुआ है। वे 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि जैसे आपने हमको सौभाग्य दिया, वैसे अपना 10,000 डिसाइपल लेकर के उनका भी होस्टिलिटी, उनका भी आतिथ्य स्वीकार कीजिए, वो भी धन्य हो जाएंगे आपको खिला करके। वो साधु कुछ नहीं सोचा कि ये खतरे में डाल रहा है। वो चले गए 10,000 शिष्यों को लेकर के, चलो चलो महाराज युधिष्ठिर के यहां प्रसाद खाना। जबकि वो वनवास में का दिन बिता रहे थे, उनके पास एक अक्षय पात्र था जो भगवान सूर्य ने दिया था, कि जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक उससे लाखों करोड़ों आदमियों को परसा जा सकता था, घटने वाला नहीं था। अक्षय जिसमें बनाए हुए भोजन का क्षय होता ही नहीं था, अक्षय पात्र। तो गए दुर्वासा जी और इसने कह दिया था दुर्योधन ने कि आप तब जाइएगा जब बेचारी द्रौपदी खा ले, तो आराम से बनाएगी भोजन आप सबको, ऐसा न हो कि वो न खाए उसको दुख हो। तो जब द्रौपदी खा ले तब जाइएगा। गए, उस समय द्रौपदी खा चुकी थी, दिन का दोपहर से आगे हो गया था। तो महाराज युधिष्ठिर प्रणाम किए, सब भाई प्रणाम किए और उनसे याचना किए कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हमको धन्य कीजिए, आप हमारे यहां प्रसाद लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी एक तो लेट आए थे बहुत, और अब कहने लगे अभी हमको नदी में स्नान करना है, दोपहर का कृत्य बाकी है, वहां हम सब लोग स्नान करके आएंगे। ठीक है, तो स्नान करने गए तो महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी जी से पूछे कि द्रौपदी, जो 10,000 साधु आ गए उनके लिए पात्र में कुछ है? तो द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं तो खा चुकी हूं, खा चुकी, और दिन में एक ही बार भोजन बन सकता था, अब कोई उपाय नहीं था बनने। तब तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आज तो सबका मरण निश्चित होगा, वो दुर्वासा जी साप दे देंगे। देखो कृष्ण, द्रौपदी का नाम है कृष्णा भी था, देखो कृष्णा, तुमसे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी लाज बचाए भरी सभा में, तुम पुकारोगी तो वे जरूर चले आएंगे, वे कोई ना कोई उपाय करेंगे, तब हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकारने लगी मन ही मन, आज हमारे पतियों के जान की जान बचाइए, रक्षा कीजिए, हे नाथ मुझे संकट से बचाइए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से दौड़े हुए चले आए, मतलब उनका स्पीड तो मन से भी ज्यादा है, वो आ गए। आए तो आते ही द्रौपदी से बोले, द्रौपदी को बहन कहते थे, बहन तुम मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूं। द्रौपदी ने कहा कि मधुसूदन मैं तो खा चुकी हूं,
आज आपको मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी, बहुत कठिन है, मैं खा चुकी हूं। भगवान कहते हैं देखो मजाक मत करो, मेरे प्राण निकल रहे हैं भूख से, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ तो दो, कुछ तो दो। कहे कुछ है नहीं, तो भगवान ने कहा बर्तन लाओ, अक्षय पात्र लाओ। तो अभी बर्तन धोया नहीं गया था, उसमें साग का एक पत्ता सटा हुआ था। भगवान उस साग के पत्ता को लेकर के खाए और कहे कि इसे तीनों लोक के जितने प्राणी हैं सब तृप्त हो जाए। और उस साग का पत्ता खाए और सारा जगत जितने प्राणी थे, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी देवता सब, उस समय यही लगा कि सब आकंठ भोजन कर चुके हैं और बहुत सुंदर डकार आ रही थी सबको, पूरी दुनिया में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीमसेन से, भैया जाकर के साधु मंडली को बुला लाओ, कहना कि भोजन तैयार है। भगवान ने कहा जाओ बुला लाओ, बहुत देर हुई। उधर क्या हुआ, जब भगवान साग का पत्ता खाए तो साधुओं का पेट तो भर गया बिल्कुल, डकार आने लगी। और तभी एक दूसरे पर देखने लगे कि अरे मेरा पेट कैसे भर गया, उसकी क्या हालत है। तो सब की हालत तो वही थी, वो सब एक दूसरे पर देखने लगे, ये क्या हो गया, बिना खाए पेट क्यों भर गया, क्या बात हो गई, ये कोई रोग नहीं है, कैसे पेट भर गया। तो सब दुर्वासा जी से पूछे, गुरु महाराज ये अकस्मात पेट कैसे भर गया। दुर्वासा जी इस अनहोनी घटना को तो समझ सकते थे, उन्होंने कहा देखो युधिष्ठिर के द्वारा हमने बहुत पाक करा दिया। वो समझते थे कि 10,000 भोजन बन चुका 10,000 लोगों के लिए, अब तो देखो एक भक्त के अन्न को हम लोग बर्बाद करेंगे, अब खा नहीं सकते, एक कवर भी नहीं खा सकते, और इतना बड़ा पाक करा करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया, अब देखो तुम लोग भागो यहां से, तो सुदर्शन चक्र आने वाला है। उसी समय उन्होंने साप दिया दुर्योधन कि तुम्हारा नाश हो जाए, हमको तुम इतना संकट में भेजे हो, ऐसे वहां पर साप दिए थे और भाग गए। एक तरफ नहीं भागे, क्योंकि सुदर्शन चक्र एक तरफ सबको मार सकता था, तो उन्होंने कहा कि जिसको जिधर रास्ता मिले उधर भागो। तो कोई धस कर पताल चला गया, कोई आकाश में उड़ गया, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, ये सब भाग गए डर करके, क्यों सबका पेट भर गया था। वो समझ गए कि भगवान कृष्ण की कोई ये लीला है, पांडव सभी कृष्ण के आश्रय में है, शरण में है, अवश्य उन्होंने कोई चीज किया है। अब भाग गए, जब भीमसेन वहां गए पूछने लगे, ओ मुनयः, हे मुनियों, हे मुनियों कहां हैं, आपको महाराज युधिष्ठिर भोजन के लिए बुला रहे। कोई था नहीं वहां पर, कुछ ऋषि लोग पहले रहते थे उस सरोवर पर, उनसे पूछे वो लोग कहां हैं, वो लोग तो अकस्मात निकल करके बहुत तेज यहां से चले गए। कपड़ा वपड़ा निचोड़ने का जगह था, भींगा हुआ इधर उधर, ये पता चलता था, कुछ लोग नहाए नहा करके चले गए। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण एक साग का पत्ता खा करके और सारे जगत को तृप्त कर दिए, क्योंकि वो मूल हैं। अगर हम लोग भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं तो ये समझना चाहिए कि सारे जगत के जीवों को ये चीज मिलता है, क्यों भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, पेट की तरह है, उनको दिए जाने पर सबको मिलेगा। अगर वे सेटिस्फाई हो गए हमारी सेवा से तो सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि महाराज जजाति ने भगवान की पूजा किया, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किया, बहुत दक्षिणा दिया, क्योंकि भगवान सर्वदेवमय है और सर्व वेदमयम हरिम, वे हरि हैं, भक्तों के दुख को हर लेते हैं, कृपा करते हैं और सर्व वेदमय हैं। यदि कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान को जान गया कि भगवान हमारे स्वामी हैं, तो मैं उनका सेवक हूं, तो सारा वेद पढ़ चुका है, वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब पूरा पूरा जान गया, सारा पुराण पढ़ गया, यदि वो कृष्ण का भक्त है। माता देवहूति ने तो यहां तक कहा है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है वो सब तीर्थ कर चुका, सब वेद पढ़ चुका, सारा यज्ञ कर चुका और सभी तीर्थों में स्नान कर चुका, ऐसा कहती है।
अहो बत स्वपचोतो गरीयान जज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुष तपस्ते जुहुष अश्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। जो व्यक्ति एक बार कृष्ण का नाम बोलता है जिह्वा पर अग्रभाग पर, मन से नहीं, जिह्वा के अग्रभाग पर अगर नाम आ गया भगवान का, तो वह स्वपच भी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत श्रेष्ठ है। अगर उसके जीह पर भगवान का नाम आया, और ये गृणंती जो भगवान का नाम बार बार जपते हैं, तो वो तो तेपुष तपस्ते वे सब प्रकार की तपस्या कर चुके, जुहू वे सारे यज्ञ कर चुके, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सारा यज्ञ वो कर चुके और कोटि कोटि बार कर चुके, सस्नु वो तीर्थों में स्नान कर चुके, ब्रह्म अनु ऊंचू वेदों का बारंबार अध्ययन वो कर चुके। माला पर भगवान के नाम को जो जप रहा है वास्तव में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर चुका, सैकड़ों बार सारे तीर्थों में स्नान कर चुका, वेद पढ़ चुका, सब कुछ कर चुका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब परम प्रमाण श्रीमद् भागवतम के उद्गार है। ये सामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है। अगर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है तो परम शुद्ध व्यक्ति है और सारा सब कुछ कर चुका। वेद पढ़ने का फल क्या है? भगवान का जप करना है। शास्त्र तीर्थों में स्नान करने का फल क्या है? भगवान का नाम जपना है। और यज्ञ बहुत बहुत करना, उसका फल क्या है? भगवान का नाम जपना है। तो सब कुछ वो व्यक्ति करता है, माला के एक एक दाने पर, एक एक मनिका पर वो करोड़ों यज्ञ कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यह बात माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव से कह रही, अहो बत स्वपचोतो गरीयान जज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुष तपस्ते जुहुष अश्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। इसलिए नाम जप सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और सबसे आसान भी है, कहीं भी कोई रहे जप कर सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि माला लेकर चलने में ठीक नहीं लगता है, तो ठीक है, काउंटिंग क्लिक से कीजिए, वो गिनने वाली मशीन आती है उससे कीजिए, कोई बात नहीं, पर करना तो चाहिए, वाइब्रेशन तो करना चाहिए जीभ से। जिसके जीभ पर भगवान का नाम है उसके लिए मंगल ही मंगल है, उसकी सदगति होगी ही होगी, उसे कोई पाप टच नहीं कर सकता है, पहले के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, इतनी नाम की महिमा है। और श्रील प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे तो यही कहते थे, चांट एटलीस्ट 16 राउंड्स, जप करो, यही उपदेश है, दीक्षा का यही सार है, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्व वेदमयम हरिम, हरि श्री कृष्ण सर्व वेदमय है। यदि कोई भगवान की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो सारा वेद पढ़ चुका है, अन्यथा अगर वेद पढ़े और वेद पढ़ करके कुछ दूसरा विचार करे, भगवान से प्रेम न करे, तो उसका वेद पढ़ना बेकार है। जैसे कुछ लोग हैं भारतवर्ष में, ऐसा ग्रुप है, वो वेद पढ़ते हैं, यहां तक कहते हैं वेद पढ़ना चाहिए, पुराण सुनान नहीं पढ़ना चाहिए। जब वेद पढ़ते हैं और करते क्या है, हवन केवल करते हैं, भगवान कृष्ण से कोई उनको मतलब नहीं, न भगवान के रूप को जानते हैं, न गुण को, लीला को, धाम को, किसी को नहीं, वो सब बिल्कुल गधे हैं वास्तव में, उनको कोई बुद्धि नहीं है। भगवान का नाम जपने वाला ही वास्तविक वेद के तात्पर्य को समझ रहा है, कृष्ण की पूजा करता है, नाम जप करता है, वो सही सही वेद पढ़ा हुआ है, अन्यथा वेद के श्लोकों को जान करके और स्वाहा हाहा केवल करो, ये फल नहीं है। भगवान कृष्ण से प्रेम करना, ये वेद पढ़ने का फल है, क्योंकि वेदश्च सर्वै रहमेव वेद्य, भगवान गीता में कहते हैं कि सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं, मुझे जानने के लिए वेद बनाया गया है और मैं ही बनाया हूं और मैं ही वेद का तत्पर जानता हूं, वे कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं वेद में तो कृष्ण का नाम ही नहीं आया है, कृष्ण के भक्ति की कोई चर्चा नहीं है,
अंधा गधे कहीं कि तुमको वेद क्या दिखाई दे रहा है। ये भगवत गीता वेद का सार है, सर्वशास्त्रमयी गीता। और गीता में कितना भगवान अपने बारे में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सबको जन्म दिया हूँ, मैं सबको पाल रहा हूँ, इस बात को जानकर विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, भाव के साथ प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कैसे मेरा भजन करते हैं, मच्चित्ता उनका मन उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, मदगत प्राणा और उनकी इंद्रियां मेरी सेवा में लगी रहती, मच्चित्ता मदगत प्राणा और आगे कैसे हैं, बोधयन्तः परस्परम, और एक दूसरे को मेरे बारे में मेरे गुणों को बताते रहते हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने कृपालु हैं, कितने महान हैं, प्रायः मेरे ही बारे में बोलते रहते हैं परस्पर, और कथयम तश्च माम नित्यम, और मेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। कथन का अर्थ प्रशंसा होता है, मेरे बारे में ही गाते हैं, मेरे बारे में ही सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और यही उनका काम है, इसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च, यही उनका तोष है, यही उनका सुख है, और इसी में रमते रहते हैं। जब देखो तो मेरे विषय में गाते हैं, बोलते रहते हैं, ये है विद्वान का लक्षण। और इस पर जाना जाएगा कि ये व्यक्ति वेद के सार को समझ रहा है। जो लोग वेद पढ़ करके भी कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, उनका वेद पढ़ना केवल परिश्रम देता है, कोई लाभ नहीं होता है। नाम जप करना चाहिए भगवान का। सुखदेव जी कहते हैं कि हरि सर्व देवमय हैं और सर्व वेदमय हैं। जस्मिन इदम विरचितम व्यम्नीव जलदावलि नानेव भाति ना भाति स्वप्न माया मनोरथ। जस्मिन इदम विरचितम, भगवान विष्णु के भीतर ही उनके स्वरूप के अंदर ही सारा विश्व रचा हुआ है। हम लोग देखते हैं इस विश्व को, अमेरिका जैसा देश है, ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप है, सब जगह कितने कितने पहाड़, कितनी नदियां, कितने जीव, कितने झाड़, क्या क्या सब कुछ, पर ये सारा विश्व, यहां तक कि अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये सारे लोक भगवान कृष्ण के भीतर हैं। कोई व्यक्ति इस बात को सुन करके चकित हो सकता है कि सब कृष्ण के भीतर कैसे हो सकता है, ये सब उनके भीतर है। जस्मिन इदम विरचितम, जस्मिन माने जिनके भीतर ये सारा जगत रचा गया, और रचा कौन है, वही रचे हैं भगवान कृष्ण बनाए हैं, और अपने भीतर ही सब बना लिए। इसको देखा गया है, अर्जुन ने देखा विराट रूप भगवान का, 11वें अध्याय में गीता में वर्णन, देखे कि ब्रह्मा जी इनके नाभि से जन्म ले रहे हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, सारे सिद्ध लोग प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लोग भय से भाग रहे हैं। भगवान के विराट रूप को उन्होंने देखा और वे थर थर कांपने लगे। अर्जुन वास्तव में कृष्ण के भीतर है, लेकिन फिर भी कृष्ण के भीतर कुछ भी नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं मतस्थानी च भूतानी नच मतस्थानी भूतानी, एक ही जगह पर एक श्लोक में कहते हैं कि सारा जगत मेरे भीतर है, फिर कहते हैं कुछ भी मेरे भीतर नहीं है, मैं तो पूर्ण स्पिरिचुअल हूं। भगवान के भीतर जड़ जगत कैसे हो सकता है, फिर भी भीतर है, आश्चर्य की बात। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मन के भीतर सारा संसार है। मन बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, लेकिन उसके भीतर पूरा अमेरिका अट जाता है। हम सोचेंगे यहां लॉस एंजेलिस से न्यूयॉर्क और उधर सियाटल से दक्षिण में कौन बड़ा नगर है, ह्यूस्टन, जो भी हो, ये सारा एक दृष्टि में एक बार आ जाता है, मन में चिंतन में सब जगह आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो सारा संसार हमारे मन के भीतर आ चुका है, और जबकि हम कार के भीतर हैं, कार के भीतर है, पर हम सोच सकते हैं कि कार मेरे भीतर है, मन में आ जाती है पूरी कार, कार के भीतर मन है और मन के भीतर कार है। तो मन तो जड़ पदार्थ है, भगवान तो पूर्ण चिन्मय है, स्पिरिट है, तो उनके भीतर सारा जगत है, लेकिन फिर भी
वे जो हैं पूर्ण शुद्ध हैं, उनके भीतर मैटर कुछ नहीं है, वो केवल स्पिरिट है, चिन्मय है, आत्मा है। और अद्भुत रचना है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जस्मिन इदम विरचितम, जिन प्रभु के भीतर सारा जगत रचा गया है, व्योमनी व जलदावली, जैसे व्योम के भीतर बादल छाते हैं, जलद अवली, बादलों की श्रेणियां रहती हैं। हम लोग देखते आकाश में बादल छाते हैं, छाते हैं और कुछ काल के बाद वो सब तिरोहित हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान के भीतर कभी कभी यह जगत रचा जाता है, अनेक प्रकार के प्राणी, अनेक प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के वृक्ष, पशु, कीट पतंग, उनके विविध प्रकार के देह और खाने के लिए, पहनने के लिए, सबके लिए, सबकी सृष्टि होती है। कितना बड़ा सृष्टि अपार है भगवान का, कितना बड़ा काम है। और भांति आभाति न आभाति, नाने वो भांति न आभाति, कभी कभी जगत प्रकट होता है और कभी इसका प्रलय हो जाता है। ये भगवान के भीतर चलता रहता, स्वप्न माया मनोरथ है। जैसे हम लोग सपने में कोई चीज देखते हैं कभी कभी और जगने के बाद खत्म हो जाता है। केवल सृष्टि और प्रलय को बताने के लिए कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान के भीतर जगत उत्पन्न किया जाता है, वही उत्पन्न करते हैं और कभी कभी नष्ट कर देते हैं। कितना कितना मेंटेनेंस है भगवान का, एक दिन में कितना करोड़ टन दूध, फल, अन्न, कपड़ा, जूता, दवाई, घर, ये सब बनाना। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव से कहा कि हे प्रभु, कम से कम एक ब्रह्मांड के लोगों को बैकुंठ भेज दीजिए, क्योंकि यहां आपको इनका खर्चा चलाने में आपको बहुत मेहनत पड़ती है यहां पर, और बैकुंठ में तो सहज जीवन है, वहां तो जीवन ही स्वाभाविक है, तो वहां आपको कोई परिश्रम नहीं है, तो इनको कृपा करके भेज दीजिए। भगवान प्रहलाद जी के आग्रह को मान लिए और एक ब्रह्मांड के जीवों को पूरा बैकुंठ भेज दिए अपने भक्त के आग्रह से। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ, भगवान स्वीकार किए उनके बात। तो यह जगत भगवान की इच्छा से प्रकट होता है, अनेक प्रकार के प्राणी और प्राणियों के खाने पीने भोगने के लिए अनेक वस्तुएं, यह है भगवान का वैभव, यह सृष्टि कौशल। और कैसे सृष्टि करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं और जगत उत्पन्न हो जाता है, ये उनकी विशेषता है, यह है रिमोट कंट्रोल। सोए रहते हैं कारण समुद्र में, गर्भ समुद्र में, और सारा जगत रच दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक एक शरीर की जो सृष्टि किए हैं कितना विलक्षण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि छोटा से छोटा जीव बनाए हैं और बड़ा से बड़ा भी बनाए। तिमी एक मछली होता है, वो 100 योजन का होता है, 100 योजन मतलब 400 कोस, 800 माइल का एक मत्स्य होता है, और उसको भी जो निगल जाता है उसको तिमिंगल कहते हैं। 100 योजन के लंबे चौड़े मछली को जो खा जाए उसको तिमिंगल कहते हैं। ऐसी ऐसी सृष्टि है, बड़ी से बड़ी सृष्टि और छोटी से छोटी सृष्टि भगवान किए हैं। जैसे मच्छर है, उससे भी छोटा कीट पतंग, उसमें सारी इंद्रियां हैं, आंख भी है, नाक भी है, सब भी, हम देख नहीं सकते अपने आंखों से, फिर भी इतना सूक्ष्म बनाए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये वैज्ञानिक बड़ा गर्व करते हैं कि हम विमान बनाए हैं, विमान बनाए हैं। एक मच्छर जैसा छोटा विमान बना दें तो मानूंगा कि ये कुछ बनाते हैं। मच्छर में विमान के सारे लक्षण है, वो भी उड़ता है, वो भी सीटी देता है, जब वो काटता है, डंक मारता है, तो सीटी देते हुए चुपचाप नहीं, देखा है ना, मच्छर बोलता रहता है, और कहीं भी उतर सकता है, कैसे भी उड़ सकता है, और दूसरे के हाथ पैर को झटका को देखकर भाग जाता है। उसमें सब कुछ भगवान ने बनाया है, और ऐसे मच्छर की एक टांग टूट जाए तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर नहीं बना सकते, एक मच्छर की एक टांग टूट जाए, ये बनाने की शक्ति नहीं है, ना, नहीं बना सकते। मनुष्यों के टांग को बनाते हैं तो वो भी भगवान के बनाए हुए लकड़ी या प्लास्टिक से ही बनाते हैं, अपने पेट से तो कुछ निकाल नहीं सकते, भगवान ने जो दिया है उसी से नकली टांग बना देते हैं, हाथ बना देते हैं, जो भी बना दे, तो भगवान ने दिया है वस्तु तब बनाते हैं।
तो ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए जो वास्तव में इस जगत के ईश्वर है, जो पालक हैं, इसके नियामक हैं, कंट्रोल में रखते हैं। जजाति महाराज ऐसे प्रभु के भक्त थे और उन्होंने भूरी भूरी यज्ञों द्वारा पूजा किया। तमेव हृदय विन्यस्य वासुदेवम गुहाशयम नारायणम अणियंसम निराशीर यजत प्रभुम। ऐसे वासुदेव सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले और सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले, गुहाशयम हृदय में सोने वाले नारायण की ये पूजा किए, भक्ति किए, निराशी सह किसी कामना से नहीं, सहज प्रेम से भगवान का भजन किया। ऐसा नहीं कि हम यज्ञ करें, भगवान से ये चाहें, ये मांगे, कुछ भी नहीं मांगे, बिल्कुल प्योर।